हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी अपनी किचन में, जहां आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट बताऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है और फुल ऑफ मील है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें हमारा घी तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा और ये खाने में उतनी ही टेस्टी होगी और आपका पेट भी भरा रहेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो अभी तक चैनल पर नए हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे ऐसी ही टेस्टी इजी रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलिए अपनी मूंग दाल बनाना स्टार्ट करते हैं फॉर हेल्दी ब्रेकफास्ट। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग दाल को भिगो दिया है। इसको हमें ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं रहती है, आधा एक घंटा हम इसको भिगोएंगे तो हमारे लिए मोर देन सफिशियंट है। इसमें हमने बारीक कटा हुआ कोरिएंडर, रफली चॉप ग्रीन चिलीज, ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है और आधा नींबू, बस। इसमें हमें और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं रहती है। तो चलिए अपनी मूंग की दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गर्म बर्तन में थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, जस्ट फॉर पिंच। इससे हमारा खाना बहुत ही ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसलिए अपने खाने में हींग जरूर ऐड कीजिए। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा जीरा, और इनको अच्छे से क्रैक होने देते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको हम सॉल्ट पाउडर भी बोलते हैं। अब इसमें हम अपनी भीगी हुई दाल को ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक स्वाद अनुसार आप अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और चुटकी भर गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अब आपने जितनी दाल भिगोई है उतना ही आप इसमें पानी को ऐड कीजिएगा, ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो हमारी दाल बहुत गल जाएगी जो खाने में स्वाद नहीं लगेगी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, जब तक हमारी दाल अच्छे से गल ना जाए, पर हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ा सा ही गलाना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और इसको बनने देते हैं। इस पे आप एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी रख देंगे तो अंदर मॉइस्चर जो है वो ख़त्म नहीं होगा, आपकी दाल कढ़ाई से चिपकेगी नहीं। अब इसको हम बनने देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं अपनी दाल को। देखिए, पानी सारा ऑब्जर्व हो गया है और दाल भी हमारी ऑलमोस्ट बन गई है। थोड़ा सा दबा के देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छे से दब गई है, हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब हम इस पर थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें अमचूर पाउडर नहीं ऐड किया था, तो हम इसमें नींबू का लेमन जूस ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे एक बार। इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और फ्रेश कोरिएंडर से गार्निशिंग करते हैं। हमारी हेल्दी ब्रेकफास्ट मूंग की दाल बनकर तैयार है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई इजी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।